हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आपको जैसा कि न्यूज़ से या कहीं भी कई सोर्सेज से पता चल रहा होगा कि अब ये जो एडमिशन प्रोसेस है, चाहे वो CUCET हो या BHU एंट्रेंस हो, सबका प्रोसेस फास्ट कर दिया गया है और जल्द ही कुछ दिनों में, इट मीन्स कि विद इन 1 वीक और उसके बाद या उसके पहले भी 2-3 दिनों के अंदर भी ये पूरा कन्फर्मेशन आ जाएगा कि एंट्रेंस कब होगा, अप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो चुका है और जो एक तलवार लटकी हुई थी वो अब खत्म हो गई। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और एंट्रेंस लेट से हुआ था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एंट्रेंस सितंबर तक हुए थे, एडमिशन दिसंबर तक चला गया था, क्योंकि वैसा सिचुएशन था, पैंडेमिक है, किसी एक के लिए तो है नहीं, सबकी जान कीमती है। तो इसको समझते हुए और चूंकि आपको अपना एंट्रेंस क्रैक करना है, ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ये आपको पूछना है अपने आप से कि क्या आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, एडमिशन लेना है, या यूं ही घर बैठे 1-2 साल वेस्ट करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो। अगर आपको निकालना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैं आपको सपोर्ट करूंगा और आप इजीली क्रैक कर पाओगे, जैसा पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने किया था। बहुत सारे बच्चों का स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था कई सारे कोर्सेज में, जितने भी कोर्सेज आप यहाँ देख रहे हो, BA Arts, सोशल साइंस, MA MLB, BA LLB, LLB BA LLB 5 ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, प्लस BA CAG नर्सिंग, इन सब का एक कंप्लीट गाइडेंस हमने पिछले साल भी दिया था यूट्यूब चैनल पे। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बहुत ही इजी है, अपने घर बैठे आप आराम से फ्री क्लासेस जो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं वो सफिशियंट हैं, इट मीन्स कि वो आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। पूरा कोर्स मटेरियल तो आपको नहीं देंगे, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तो आपको सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। तो जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे होंगे उनके लिए तो सही है, वो रिवीजन करेंगे, एग्जाम दे देंगे, उनको कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही है। बट इसमें हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप किसी भी इनमें से कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, जितने कोर्सेज मैंने लिखे हैं BA Arts MA, जो भी आप तैयारी करते हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सबका लिंक दिया गया है, या फिर प्लेलिस्ट में सबके अलग अलग लिंक बने हुए हैं, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक से करनी है, कौन सी बुक से कौन सा सेक्शन पढ़ना है, ये सारा चीज मैंने उसमें मेंशन किया है या मैम ने मेंशन किया है, आपको वो सब फॉलो करना होगा। पिछले 5 साल के, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, एनालाइज करो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले साल के सॉल्यूशन हमने कराए हैं 2020 के, उसको तो जरूर देखो। और अगर आप देखते हो तो आप सबसे ज्यादा देखोगे कि करेंट अफेयर्स जो है वो सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है। और पिछली बार जो हमने करंट अफेयर्स की PDF दी थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इवन कि मैंने एनालाइज किया 10 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। डेली सुबह 7 बजे से पहले करंट अफेयर्स लाइव आता है, आज भी आया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। देख के आपको GK GS की इतनी तगड़ी रिविजन कराता हूँ कि भरोसा करो आपको वो याद हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जाम तक तो कोई भी चांस नहीं है भूलने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के एनालिसिस कर लिया आपने, फिर अपना करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, 15 मिनट में 2 घंटे का टाइम बचता है, ये ध्यान रहे, उतना मैं चीज पढ़ा देता हूँ। प्रैक्टिस सेट हमने कई सारे, लगभग 100 से ऊपर प्रैक्टिस सेट अलग अलग सब्जेक्ट के रखे हुए हैं, और भी लेकर के आएंगे आपके लिए, तो ये आप करो, इतना काफी है आपको। सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नीचे व्हाट्सएप का लिंक होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उसको भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे सारे PDF मिल जाएंगे आपको, लगभग 800 से ऊपर PDF हमने सेंड कर दिए हैं। तो ये हो गई बात, ये एक रास्ता है जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया, जिनके दिमाग में अभी आया ही नहीं है कि एंट्रेंस हम शुरू करेंगे, एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, उनके लिए भी एक बहुत आसान सा तरीका है। हमने पेड क्लासेस शुरू किए हैं। पेड क्लासेस उनके लिए है जो पे कर सकते हैं, भाई इसमें कोई वो नहीं है, आप पे करोगे, आप अदरवाइज आप वही कर सकते हो जो मैंने पहले बताया है। पेड कोर्सेज में सबसे पहले आपकी, मैं बेनिफिट बता देता हूँ, लाइव क्लासेस चलेंगी, जैसे आप कोचिंग अटेंड करते हो। कोई अभी तो कोचिंग कोई भी ऑफलाइन नहीं खुलेगा, तो अब ऑफलाइन कोचिंग आप अटेंड नहीं कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो आपको ये करना है कि आप नीचे टीचमेंट का लिंक दिया गया होगा, हमारी क्लासेस की ID दी गई होगी, आप एज ए स्टूडेंट उसमें लॉग इन करोगे नंबर से और हमारे क्लास की जो ID है उसमें कॉपी करके डालोगे, तो आप उस पर खुद ब खुद रेफर हो जाओगे। ढेर सारे क्लासेस, GK GS हमने फी लिमिट कर दिया है, 100 स्टूडेंट तक फी लिमिट कर दिया है, मात्र ₹499 हमने लिमिट कर दिया है। GK GS के जितनी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पढ़ाएंगे, सबके PDF देंगे, सारी स्टडी मटेरियल आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने पैसे में।
इतने पैसे के बाद आपसे जीएस के लिए एक भी रुपए नहीं लिए जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। पेड क्लासेस की खासियत होगी कि एक लिमिटेड टाइम पे आएगा। सेम चीज बीएससी एजी और नर्सिंग के बच्चों के लिए है, उनके लिए हमने शुरू में फी रखा था 1000 रुपीज। बीएससी की केमिस्ट्री और बायो मैम ने शुरू की है, बट अभी चूंकि काफी बच्चों ने डिस्काउंट की रिक्वेस्ट की थी तो हमने 798 कर दिया है दो सब्जेक्ट के लिए। मान लो आपको कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, केमिस्ट्री बायो खत्म होने के बाद मैथ्स स्टार्ट किए जाएंगे और फिजिक्स भी, फिजिक्स मैथ दोनों स्टार्ट करेंगे हम लोग जल्द ही, ये ध्यान रहे। तो 798 में आप इसका हाफ कर दो, 399 पेमेंट कर सकते हो किसी एक सब्जेक्ट का। मान लो आपको बायो पढ़ना है, केमिस्ट्री आपकी ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो ठीक है, तो 399 पे करके आप बीएससी एजी का, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो भी क्लासेस का, आपका जो क्लास है वो ज्वाइन करो, दूसरे क्लास में मत घुसना भाई, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो जीके जीएस में आ गए हैं और वो है बीएससी के, तो इस चीज को छांटो, अपने आप को उसमें से हटा लो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, दोनों चीज आप नहीं पढ़ सकते, एक पे फोकस रहो निकल जाएगा, ठीक है। तो टीचमेंट पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी घर बैठे। जीएस में जितने भी कोर्सेज होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देखिए पॉलिटी के 3 चैप्टर हमने पढ़ा भी दिए, बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझा के पढ़ाए हैं। हिस्ट्री इतिहास आज से शुरू किया जा रहा है, इतिहास अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो आज डिस्क्रिप्शन में लिंक आकर के देख लो, अच्छा लगे तभी करना, कोई वो नहीं है, ठीक है। मैम ने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, बायो भी पढ़ाएंगी, बायो स्टार्ट हो रहा है, और इसका फी मैंने बताया था 798 रखा गया है, बट इसका हाफ कर दोगे किसी एक सब्जेक्ट के लिए तो 399 में आप पढ़ सकते हो एंट्रेंस तक। ये जितने भी फी मैं बता रहा हूँ ये एंट्रेंस तक होगा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए आप आराम से पढ़ते रहो, नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, एक लाइव कोचिंग की फील आएगी आपको, ताकि आपको लगेगा इंटरैक्टिव, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें बात कर सकते हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर से क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ये होल सिलेबस कवर कराएगा आपका, ये नहीं कि छोड़ देगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दिखा के आपको बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज फोकस ऑन दैट, और ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेगा, प्रैक्टिस कराएगा, लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो आपके पास च्वाइसेज हैं, आप एक बात बताओ मुझे, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप डेली अगर कहीं ब्रेकफास्ट करने जाते हो या कुछ भी, अगर नशा करते भी या नहीं भी करते हैं, उनका 15-20 रुपए तो डेली ऐसे ही खर्च हो जाता है, एक महीने में मुश्किल से 600 रुपए हुए, मैंने फी बहुत कम रखा है उस हिसाब से, ठीक है। तो पॉकेट मनी जो आता है आपका उससे भी कम है, तो ये ध्यान रहे कि ये आपका लाइफ बना सकता है, बाकी चीजें आपको लाइफ बनाए या ना बनाए, बट ये आपके लाइफ को हेल्प करेगा।